बाकी इधर साइड है लंबी ढेर लगाई रहती है पीरूल के। छोटी बहन की शादी होने वाली यानी कि माँ रेणुका माता के सामने पे भगवान शिव का बिल्कुल घने घने मकान दिखाई दे रहे हैं। और बाड़ा गड्डी का ना भाई साहब पंगा हो गया तगड़ा वाला। अब ये शहरों का माहौल है तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं भी इसमें हूँ शामिल हूँ। जी 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 खाना तो हमने फिर नहीं खाया। तो चलिए भाई दोस्तों एक और नई वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसा आप सभी के हाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी करीब 10:30 हो रहा है और आज की वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आज कहीं भी धूप नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आज आसमान में ना चारों ओर से बादल आए हुए हैं सफेद सफेद। बाकी आसमान में केवल बादल ही दिखाई दे रहे हैं, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। खैर देखते हैं बारिश हो पाती है या नहीं होती है। बाकी अभी मैं तैयार हो रखा हूँ और मेरे को जाना है उत्तरकाशी में, वहाँ पे अपने जीजाजी आ रहे हैं। जीजाजी के साथ कार्ड बांटने हैं। कुछ दिनों बाद जीजाजी लोगों के घर पे जीजाजी की छोटी बहन की शादी होने वाली यानी अपनी श्याली साहिब की शादी होने वाली है। तो उनके शादी के कार्ड बांटने हैं जीजाजी के साथ। बाकी देखते हैं आज कहाँ कहाँ जा पाते हैं कार्ड बांटने के लिए। बाकी शाम को मुझे मेहंदी में भी जाना है, अपने गांव के एक भैया जी हैं उनकी मेहंदी है नीचे उत्तरकाशी में ही। तो देखते हैं आज के दिन में कहाँ कहाँ जाना होता है, क्या क्या हो पाता है। दोस्तों अभी जोशियाड़ा में पहुंच गया हूं। बाकी घर से मेरे साथ ना अनु भी आया था। हेलो सर। बाकी अभी मेरे को एक बार मार्केट में जाना है, पेट्रोल पंप पे तेल भरा के आते हैं, उसके बाद मेरे को जियाजी भी मिलेंगे, फिर साथ में चलेंगे काल बांटने के लिए। ठीक है साहब तब ठीक है ठीक है ओके। चलो भाई दोस्तों अभी पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, तेल भी भरवा दिया है। बाकी यहाँ से जियाजी मिल चुके हैं। जियाजी कैसे हो? बढ़िया हो। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है आज के दिन में। अभी हम पहले आए हैं मामा जी लोगों के घर पे। बाकी अभी चाय चुई पी ली है और यहाँ से जाने की तैयारी है। बाकी यहाँ पे सभी लोग हैं। आजकल माघ का महीना है तो है माघ के महीने में घर की बेटियाँ आई रहती है घर में, तो कंडू होता ना कलियो उस वो भी लेके जाते हैं। बाकी ये रही मामी जी। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पे दीदी लोग हैं, कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक चलो ठीक है तब। तो अभी हम बोंगार गांव के रास्ते में हैं, वापस जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए रास्ते के बगल में ही ना काफी सारे पीरूल के ढेर लगाए हुए हैं बिल्कुल पत्थरों के ऊपर, और देख के बिल्कुल यूनिक सी चीजें लग रही है। काफी सारे लंबे लंबे ढेर बनाए हुए हैं। तो हमारे इधर साइड बिल्कुल गोल टाइप के ढेर लगाए रहते हैं, बाकी इधर साइड है लंबी ढेर लगाई रहती है पीरूल के। और अभी हमें बोंगा गांव के पास में ही एक दूसरा गांव है क्याणगू गांव, तो वहां पे भी जाना था कार्ड देने, पर वहां के कार्ड भी मामा जी लोगों के यहां पे भैया के पास दे दिए हैं, तो वहां के कार्ड भैया जी खुद ही दे देंगे। तो वहां का जो हमारा टाइम था वो बच गया। तो अभी हम आए हैं मस्ताड़ी गांव के पास में। बाकी कार्ड हमने दे दिए हैं, गए थे ऊपर गांव में। इधर साइड ना काफी देर तक धूप रहती है, ये देखिए अभी टाइम करीबन 3:30 हो गया है और अभी तक यहाँ ना अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है चारों ओर। बाकी नज़ारे भी यहाँ से बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं, पर आग का असर दिखाई दे रहा है चारों ओर, धुआं ही धुआं। बाकी अब जाना है कार्ड देने के लिए साड़ा गाँव में, तो चलो निकलते हैं यहाँ से भी। तो अभी साड़ा गांव में भी पहुंच चुके हैं। बाकी साड़ा गांव है रोड के नीचे है और देखिए सुंदर से नज़ारे हैं साड़ा गांव से भी।
बाकी आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो देखिए भाई जगह जगह पे शादियां हो रही है। ये रास्ते से ना ठीक सामने नजर पड़ती है माँ रेणुका माता जी के मंदिर पे। बाकी माँ रेणुका माता के सामने पे भगवान शिव का मंदिर है और बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अभी शाम के 4:30 हो गया है और अभी हम हैं किशनपुर गांव में। बाकी किशनपुर गांव यहां ठीक सामने दिखाई दे रहा है। बाकी शाम के 4:30 बजे ना अभी भी यहां पे धूप बची हुई है तो काफ़ी देर में यहां पे धूप जाती है। शाम के समय पे देखिए जंगल गांव की महिलाएं जंगल से घर की ओर लौट रही है। बाकी आजकल देखिए चारों ओर हरे भरे खेतों के बीच में सरसों के पीले पीले खेत बड़े सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। बाकी किशनपुर गांव में देखिए बिल्कुल घने घने मकान दिखाई दे रहे हैं और बाड़ा गड्डी का ना सबसे बड़ा गांव किशनपुर गांव कहलाता है। बाकी गांव के ऊपर भगवान नागराजा जी का भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। चलो भाई दोस्तों अभी किशनपुर गांव के कार्ड भी दे दिए हैं। बाकी हैं अब यहां से निकल पड़ते हैं घर की ओर। शाम के अभी 7 बज गए हैं और अभी मैं उत्तरकाशी में पहुंच गया हूं। बाकी मैंने सुबह बताया था कि यहां पे एक भैया जी की मेहंदी है तो वहां पे जाना है। बाकी अब एक बार वहां चलते हैं, नीता लिखा के आते हैं, खाना खुना खाते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा बहुत वहाँ का जो माहौल होगा डांस का वो भी दिखाएंगे। अभी शादी वाले घर पे भी पहुँच गए हैं। बाकी सबसे पहले न्योता लिखाने का काम करते हैं। पहाड़ों की शादी में ना एक आदमी की जिम्मेदारी रहती है नीते पे बैठने की, नीता लिखने की। बाकी यहाँ पे अंकल जी की है ड्यूटी लगी हुई तो नीता लिखा देते हैं एक बार। बाकी अब एक बार खाना खुना खा लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सभी के लिए खाने की व्यवस्था बनाई हुई है, डोंगा सिस्टम लगाया हुआ है। बाकी गांव का माहौल कुछ अलग ही रहता है भाई नीचे बैठ के खाना खाने का। बाकी अब ये शहरों का माहौल है तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं भी इसमें हूं, सामान है। जी 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 नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, खा लो खाना खा लो। हाँ खा लिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए भाई सभी लोग ना खड़े होके खाना खा रहे हैं, पर अगर यही माहौल गांव में होता ना तो सब मास में से नीचे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। चलो अब एक बार हम भी खाना खा लेते हैं। चलो भाई दोस्तों अब रात के डिनर का आनंद लेते हैं। बिल्कुल मस्त सी राजमा की दाल है, फिर घर के चावल है। बाकी सभी भाई लोग यहां पे आग पे बैठे हुए हैं और आज ना थोड़ा बारिश वाला माहौल है तो ठंडा ज्यादा है तो सभी भाई लोग मस्त में से आग सेकते सेकते खाने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे अभी ना फोटो सेशन का काम जारी है। बाकी इधर साइड ना सभी लोग मगन हो रहे हैं ढोल के साथ डांस वगैरह करने पे। चलो भाई बद्री भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो भाई मेहंदी की एक याद लेके जाते हैं, सभी लोग मास में से फोटो खिंचाते हैं तो बद्री भाई को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब पंगा हो गया तगड़ा वाला।